नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। सीधे रुख करते हैं सुर्खियों का न्यूज 10 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज से 3 दिन की सर्बिया यात्रा। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से भी होगी मुलाकात। भारतीय समुदाय को से भी करेंगी बातचीत। बिम्सटेक की 26वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। संयुक्त प्रयासों से क्षेत्र के विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाने पर दिया जोर। कहा, भारत की प्रतिबद्धता है बिम्सटेक फ्रेमवर्क। समूह के नेताओं ने भी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का दोहराया संकल्प। सीबीआई की टीम ने रेल हादसे की जांच के लिए बालासोर में दुर्घटना स्थल का देर रात फिर किया दौरा। सभी पहलुओं की जांच में जुटे अधिकारी। हादसे में 288 हुई मरने वालों की संख्या। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जारी करेंगे राज्यों के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक। G20 देशों के बीच गोवा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। आज दूसरे दिन भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण पर सहयोग को लेकर जोर। आंदोलन कर रहे पहलवानों को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिर दिया बातचीत का न्योता। देर रात ट्वीट कर कहा, सरकार उनके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार। ओवल में आज से शुरू होगा टेस्ट का बेस्ट बनने का घमासान। लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के सामने होगी ऑस्ट्रेलिया की चुनौती।